क्या क्या चीज में डील किया जाता? हमारे यहाँ रेसिडेंशियल कमर्शियल बेसिकली अपार्टमेंट्स भी हैं, बनाते भी हम लोग, मार्केटिंग भी करते हैं। मार्केटिंग बट बेसिक एमिनिटीज के साथ होते हैं, मतलब आपको यूजुअली जो है गार्ड्स मिल जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा मिल जाएगा, पार्किंग मिल जाएगा, बट यहाँ पे उसके अलावे भी कुछ चीज़ें हम लोग एक्सटेंडेड दे रहे हैं। ये आपको सीसीटीवी कैमरा, लिफ्ट, इंटरकॉम, जिम, पार्किंग, वाईफाई कैंपस, वर्शिप प्लेस यानी मंदिर हम आपको दे रहे हैं, कॉमन गेस्ट रूम भी हम दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नया नदर वीडियो में। दोस्तों आज आपका भाई फिर से आ गया है प्राखर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड में, जिसकी एड्रेस की बात किया जाए तो बोरिंग रोड यामाहा शोरूम के जस्ट बगल में है इनका ऑफिस। और इनके यहाँ दोस्तों आप प्लॉट्स, प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट में डील कर सकते हैं। इनके यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लैट या प्लॉट खरीदारी कर सकते हैं। आइए हम ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के सीनियर हेड मैनेजर से बात करवाते हैं, वो ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे ऑफिस हम आपको बता देते हैं कि किस टाइप का ऑफिस है। आप गेट से जैसे अंदर आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि आपको बैठने के लिए लाउंज मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको सोफ़ा वगैरह लगाया गया है। यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर बनाया गया है। अंदर की बात किया जाए तो अंदर में काफ़ी आपको ऑफिस मिल जाता है, जो कि एम्प्लॉय लोग काफ़ी यहाँ पे बैठ के अपना जो भी कॉल वगैरह हो डील कर सकते हैं। इधर में भी ऑफिस है, आइए थोड़ा बता देते हैं। इधर की बात किया जाए तो इधर में भी ऑफिस है, जो कि इनका पहले मैं वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो के आई बटन में मैं इनका लिंक दे दूंगा, आप आराम से जाकर के विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के सीनियर हेड मैनेजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बता दिया जाए सर। माई सेल्फ नीरज कुमार जी। ये अपना ऑफिस कहाँ पे है? हमारा ऑफिस बोरिंग कनाल रोड में है, सिसोदिया पैलेस के बगल में, ग्लास हाउस, गोरखनाथ लीला अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर, 101। बिल्कुल जी बिल्कुल। अपने यहाँ क्या क्या चीज़ में डील किया जाता है? हमारे यहाँ रेसिडेंशियल कमर्शियल बेसिकली अपार्टमेंट्स भी हैं, बनाते भी हैं, मार्केटिंग भी करते। मार्केटिंग बिल्कुल जी बिल्कुल। एक सवाल था सर, जैसे पटना में तो काफ़ी बिल्डर्स लोग हैं, लेकिन आप ही के साथ में जुड़ के क्यों कोई भी प्लॉट्स, प्रॉपर्टी या फिर कोई भी फ्लैट खरीदे, इसके बारे में थोड़ा हमारा क्या है? हमारे यहाँ से काम करने से, जुड़ कर लेने से फ्लैट से बेनिफिट ये है कि एक्चुअली हम लोग खुद बिल्डर भी हैं जी, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स भी काम करते हैं। तो इसमें तरीका बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, साइकिल चलाने वाला भी काम करते हैं जी, जेट प्लेन भी मेंटेन कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो तरीका बदल जाता है, तो आपका कंसर्न है, आप चूज करेंगे कि किस लेवल से लोग से साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो जिंदगी के कमाई लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल जी। हाँ। तो आपको चूज करना है कि आप किस लेवल के लोगों से जुड़ करके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है। रीजन है ये कि मैं खुद यहाँ बिल्डर हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारा खुद का प्रोजेक्ट है, तो खुद का गरिमा बचाना होता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, जो भी सर्विस यहाँ से मिलेगा टोटल जेनुइन मिलेगा। जेनुइन मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अपने यहाँ कितना कंस्ट्रक्शन जो है सो चालू है अभी के टाइम? अभी हमारा खुद का जो दो प्रोजेक्ट चल रहा है, एक सोसाइटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी आपने देखा होगा वहाँ पे। बिल्कुल जी। सर्व यूनिवर्सिटी के नाम से 6.5 बीघे की गेटेड सोसाइटी बना रहे हैं। हाँ। बट उसमें स्टेप बाई स्टेप हमारा काम चल रहा है। बिल्कुल। गेटेड टाउनशिप रहेगा। एक हमारा जगदेवपुर महुआ बाग लोकेशन में जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में एक मॉडर्निटी करके दे रहे हैं। बिल्कुल जी। जैसे अपार्टमेंट में बहुत चीज होता है कि अपार्टमेंट एंड पार्किंग डेट से, बट इसमें कुछ चीजें हमने एड ऑन किया है, जॉगिंग ट्रैक दे रहा है, मंदिर दे रहा है, बिल्कुल, पार्टी हॉल भी दे रहा है, जिम्नेजियम भी दे रहा है। बिल्कुल जी। तो पहले के अपार्टमेंट कंपनी अभी के डेट में हम कुछ मॉडर्न करके दे रहे हैं। बिल्कुल। हमारा दो अपना साइट है। बाकी एज ए कंसल्टेंट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है, गेटेड सोसाइटी है, अपार्टमेंट प्रोजेक्ट भी है, इनफैक्ट बोरिंग रोड हो गया, दिघा सियाना हो गया,
गोला रोड हो गया, आरकेपुरम हो गया, बिल्कुल जी, मतलब हर लोकेशंस में आपको पटना के हर लोकेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हमारे पास बे हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस। बिल्कुल जी बिल्कुल, मतलब अगर जिन किन्हीं को अदर लोकेशन में चाहिए तो वो इजीली आपसे बात करके जो भी यहाँ का क्राइटेरिया हो उसको फाइनल करके वो ले सकते हैं। हाँ, यहाँ से फुलफिल हो जाए। बिल्कुल, एक ब्लॉक हमारा ऑलरेडी रेडी हो गया है। हाँ, एक ब्लॉक हमने एक एकड़ में रेडी करके खड़ा कर दिया है जी, जिसका पोजीशन अगले साल जून जुलाई से डिलीवरी है, जून जुलाई से डिलीवर होना चालू होगा। हाँ, दूसरा प्रोजेक्ट हम दूसरा टावर लॉन्च भी करने वाले हैं। बिल्कुल, 2 और 3 मंथ्स के अंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल, लोकेटेड टाउनशिप रहेगा, लाइक एक छोटा टाउनशिप रहेगा जिसमें सारी बेसिक नीड्स एक इंसान को होल लाइफ का जरूरत होता है जी, वो एक ही प्रेमिसेस के अंदर सारी फुलफिल हो जाएगी। लोकेशन तो आप देख ही रहे हैं, दानापुर, बिल्कुल उसके सराउंडिंग 3 से 4 किलोमीटर में जितने भी टॉप 10 स्कूल है, बिल्कुल सारे अवेलेबल आते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट बिहाइंड केंद्रीय विद्यालय हो गया, प्रोजेक्ट से 1.5 किलोमीटर पर दानापुर टर्मिनल हो जाता है, 3 किलोमीटर पर आपका एम्स पड़ जाती है जी, आने वाले फ्यूचर में आपको 10 मिनट के ड्राइव पे आपका बेटा एयरपोर्ट हो जाएगी, बिल्कुल 20 मिनट के ड्राइव पे आपका पटना एयरपोर्ट है। बिल्कुल, अच्छा एक सवाल था सर, जैसे कि हमारे व्यूअर्स को कोई फ्लैट से प्लॉट चाहिए, मान के चले अभी जो भी कंस्ट्रक्शन चालू है उसमें किसी को फ्लैट पसंद आ जाए, वो अगर लेना चाहे तो लेने का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? क्राइटेरिया सबसे पहले होता है कि कस्टमर सबसे पहले अपना वो समझ लें कि हमारी पॉकेट के अलावा क्या अलाउ कर रही है, मेरा बजट क्या है, वो कस्टमर के एंड से होता है। बिल्कुल, जो परचेजर है, खरीदार है, उनके एंड से होगा कि हमारा पॉकेट है कि हम 50 लाख की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, 60 लाख लेने जा रहे हैं, हमारा बजट ये रहेगा जी। हमारे तरफ से क्वेरी ये रहता है कि पहले हम लोग बजट जानते हैं, रिक्वायरमेंट उनका प्रेफरेंस लोकेशंस क्या चाहते हैं, बिल्कुल, और रेंट प्रॉपर्टी किस स्टेज पे वो देखना चाह रहे हैं, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन देखना चाह रहे हैं, रेडी टू मूव देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल, जो इनिशियल लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है। अंडर कंस्ट्रक्शन 2 सेगमेंट हो जाता है, 2-3 महीना का भी रहता है, 6 महीना का भी रहता है, 1 साल का भी समय वाला होता है। बिल्कुल, कुछ होता है कि इनिशियल लॉन्चिंग प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है, 3 साल बाद आपको मिलेगा। बिल्कुल जी, ये क्राइटेरिया होता है। फिर बाकी जैसे खरीदार खरीदना चाहेंगे तो उनके हिसाब से क्या है कि आप क्या पे आउट है आपका फंडिंग की, मिनिमम हम लोग 25 से 30% रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अमाउंट लेते हैं। बिल्कुल जी, उनके लोन इक्विटी बन रहा है तो 20% भी सेल्फ फंडिंग करेंगे, 80% वो बैंक मार्जिन होता है। बिल्कुल जी, मतलब 80% जो है वो बैंक से जो भी है लोन वगैरह करवा के वो अपना ले सकते हैं, मतलब 20% आपके पास फंड जमा करना होगा। राइट, ऐसा है ना। तो जो लोकेशंस है सर, थोड़ा आप अपने सीनियर सेल्स मैनेजर को हमारे साथ भेजा जाए ताकि उसको मैं एक्सप्लोर कर सकूं। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम प्राखर इंफ्रा सिटी के कंस्ट्रक्शन लाइन पे पहुंच चुके हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन लाइन महुआ बाग में पड़ता है, और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से जस्ट बगल में है ये जो रोड, ये 35 फीट का रोड है, जो कि ये मापी जोखी जो भी है वो फाइनल हो चुका है, लेकिन रोड बनने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन बनने वाला है और जो बन रहा है इसके पहले ही ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ की एरिया की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे मार्केट लगता है, जहाँ पे आपको ऑल टोटल वैरायटीज, ऑल टोटल प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मात्र 50 मीटर की दूरी में ही यहाँ पे मार्केट लगता है, जहाँ से आप ऑल प्रोडक्ट जो भी हो आपके घर का सामग्री या फिर मेडिकल से रिलेटेड टोटल मिल जाता है। और इधर की बात किया जाए तो कंस्ट्रक्शन जो है अभी शुरुआत हुई है बनने के लिए दोस्तों, तो आइए हम ज़्यादा जानकारी के लिए इस कंस्ट्रक्शन के सीनियर सेल्स मैनेजर से बात करवाते हैं, वो ज़्यादा जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। तो दोस्तों प्राखर इंफ्रा सिटी के सीनियर सेल्स मैनेजर अभिषेक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सबसे नमस्कार। पहले तो बिल्कुल सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसके एरिया के बारे में थोड़ा बताया जाए। देखिए ये जो है लोकेशन, आपको मैं पहले बता दूं, ये जो लोकेशन है ये महुआ बाग कहलाता है जी। बेसिकली महुआ बाग जो है वो साउथ ऑफ जगदेव पथ आप कह सकते हैं, जगदेव पथ से लगभग साउथ 1.25 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस पड़ेगा। बिल्कुल, बट महुआ बाग अपने आप में एक मीन्स डेवलप्ड लोकेशन है, आप देख सकते हैं अगल बगल जो भी मकान है, सामने भी जो मकान बना हुआ जज साहब का है। बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ की बात किया जाए तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला नहीं, है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्शन सभी जगह चल रहा है, आप आगे भी जाएंगे बहुत सारे बिल्डिंग्स बन चुके हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं और काफी अच्छे से रह रहे हैं,
रही बात कनेक्टिविटी की, देखिए जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ कनेक्टिविटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि उनके स्कूलिंग के लिए, बच्चों के, उनके ऑफिस के, तो यहाँ कनेक्टिविटी अगर फुलवाड़ी है तो आप यहाँ से सीधे फुलवाड़ी चले जाइए, एयरपोर्ट का रास्ता पकड़ के ट्रैफिक लेसली आप सेंट्रल पटना चले जाइए, अदरवाइज बेली रोड है, प्राइम मार्केट आपका जगदेवपुर टू राजा बाजार है, मेन प्राइम मार्केट है, हर एक ब्रांड वहाँ अवेलेबल है, इवन बिल्कुल कोई सा भी ब्रांड ढूंढ लो सारा का सारा वहाँ पे मिल जाएगा जगदेवपुर में जी। तो वहाँ से आप 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और फ्री रोड है, बिल्कुल जी ठीक है, ट्रैफिक लेस रोड है, आप कहीं से भी कहीं भी कनेक्टेड हो बिल्कुल। अब रही बात की, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं आज के डेट में जो मार्केट इन्फ्लुएंस्ड है, प्राइस रेंज के हिसाब से तो बहुत हाई चल रहा है, कहीं भी आपको 5000 से नीचे का रेट है नहीं जी। हमारे पास भी वही रेट है, बट हमारे पास जो है कस्टमर की रिलायबिलिटी के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन फेज के हिसाब से हम थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके चीजों को बहुत क्लोज करते हैं बहुत यहाँ पे बिल्कुल। और रही बात कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपके सामने है, हेविनेस सामने है बिल्कुल, चीजें आप देख सकते हैं। अगर बैक वॉल पैकिंग की बात करें तो देखिए आपका 6-7 इंची का पैकिंग है, इसके ऊपर 2-2 इंची का अभी प्लास्टर जाएगा, वाटरप्रूफिंग होगा, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा बेसमेंट है और बिल्डिंग जो हाइट है ना वो बेसमेंट ग्राउंड के बाद 5 फ्लोर हाइटेड है बिल्कुल जी। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताऊं तो जैसे अपार्टमेंट प्रोजेक्ट तो आपने देखे हैं, अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं इवन बिल्कुल जी, बट बेसिक एमिनिटीज के साथ होते हैं, मतलब आपको यूजुअली जो है गार्ड्स मिल जाएंगे, CCTV कैमरा मिल जाएगा, पार्किंग मिल जाएगा, बट यहाँ पे उसके अलावे भी कुछ चीज़ें हम लोग एक्सटेंडेड दे रहे हैं बहुत, जैसे यहाँ मंदिर भी हम बना के दे रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे आगे एरिया हमारा छोड़ा हुआ है, वहाँ मंदिर भी आपको मिलेगा, जिम का ऑप्शन इसके अंदर दे रहे हैं, इनलेट 22 फीट सामने से है, 16-16 फीट दोनों साइड से हम सेटबैक छोड़ रहे हैं जो कि टहलने वहलने के हिसाब से काफ़ी है, जॉगिंग ट्रैक आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं ठीक है। पार्किंग दोनों फ्लोर पे है बिल्कुल, एक छोटा कम्युनिटी हॉल भी हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं गेट टुगेदर फंक्शंस के लिए, बर्थडे पार्टी फंक्शंस एंड ऑल के लिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हैं एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल जी, जो जनरली लोग अब सोसाइटीज में प्रोवाइड करते हैं बड़े बड़े सोसाइटीज में, बट हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक्ड अपार्टमेंट के अंदर ये मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हर रेंज के लोगों के हिसाब से फ्लैट्स है बिल्कुल, यानी मिनिमम जो स्टार्टअप है हमारे पास 785 स्क्वायर फीट से भी स्टार्ट है। कितना? 785 से हाँ, लेकिन अभी वो सारा अनअवेलेबल है, सारा बिक चुका है हमारा बिल्कुल, अभी जो अवेलेबिलिटी है 785 है, 1015 है, 1085 का भी साइज है, 1140 है, ये सब 2BHK सेगमेंट बिल्कुल, और 3BHK में भी 1375 है, 1320 का भी साइज है नॉमिनली, 1400 का भी साइज है बिल्कुल। तो आप देखिए कि मार्केट में आजकल 3BHK 1500, 1700, 1600 से नीचे अब कहीं नहीं बनता है बिल्कुल, फिर भी हमारा जो है अभी 100-150 स्क्वायर फीट नीचे करके बना रहे ताकि कस्टमर के ऊपर लोड कम आए, कम आए, क्योंकि साइज कम होगा तो आपका बजट पे भी इफेक्ट पड़ता है बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं। अब रही बात, चलिए आपको साइट कंस्ट्रक्शन, थोड़ा साइट कंस्ट्रक्शन जाने से पहले थोड़ा पंपलेट में समझा दिया जाए ताकि व्यूअर्स को समझने में प्रॉब्लम ना। डेफिनेटली आइए, देखिए ये प्रोजेक्ट का ओवरव्यू रहेगा, फ्रंट व्यू रहेगा आपका, थोड़ा सा जमीन जो है ना एल शेप में है हमारा बिल्कुल, ये ऐसे जाके जहां हम लोग खड़े हैं ये ऐसे है, और ये आगे जाके थोड़ा सा आपका साउथ की तरफ टर्न हुआ है, मतलब एल शेप में है बिल्कुल। ओके, तो 2 3BHK हमने यहाँ पे रखा है जी, ठीक है, एक 1400 वाला और एक 1320, और ये सामने से भी 3BHK है, बाकी बीच के लगभग 5 फ्लैट्स जो है वो आपका 2BHK है। अगर लेआउट प्लान देखें तो लैंड का ऐसा है कंस्ट्रक्शन बिल्कुल, पश्चिम हो गया रोड फेसिंग जी, 35 फीट का रोड है, सामने सर्वे बिल्कुल, और ये आपका इस तरह से बिल्डिंग का जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो है ये आपका पार्किंग एरिया हो जाएगा, गाड़ी नहीं ये मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इसी के ऊपर जाएगा आपका बिल्कुल। अब इसी में 2 फ्लोर हम पार्किंग रख रहे हैं जी जी, जैसे बेसमेंट है और ग्राउंड है, ग्राउंड के कुछ पार्ट पे हम जिम भी दे देंगे क्योंकि हमारे पास उतने पार्किंग की अवेलेबिलिटी की जरूरत है बिल्कुल जी। देखिए आपको CCTV कैमरा, लिफ्ट, इंटरकॉम, जिम, पार्किंग, वाईफाई कैंपस, वर्शिप प्लेस यानी मंदिर हम आपको दे रहे हैं, कॉमन गेस्ट रूम भी हम दे रहे हैं बहुत बढ़िया। और ये देखिए ये है लेआउट, बहुत लेआउट में ये फ्रंट जो रोड फेस है ये 3BHK है, फिर ये 2 3BHK है, बाकी ये आप 4 फ्लैट जो देख रहे हैं ना ये नॉमिनल साइज से लेके मैक्सिमम साइज में 2BHK है बिल्कुल। मतलब आ जाए तो मतलब जिनको चाहिए उनको यहाँ पे टोटल जो भी है वो मिल सकता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह रहे हैं ना, मान के चलिए किसी का बजट कम है बिल्कुल,
तो नॉमिनल साइज में आप आ जाइए हमारे पास, बिल्कुल जी आप उसको वो भी अवेबिलिटी आपको मिल जाएगी, बट अभी जो है वो निकल चुका है बिल्कुल। तो मिनिमम 1015 का हमारे पास अभी साइज जो है वो अवेलेबल है, तो 1015 का साइज हम दे सकते हैं। 1015 रेट के लिए जाहिर सी बात है, रेट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हम नेगोशिएट भी करके दे देंगे कस्टमर को जी, बस कस्टमर है कि एक बार आए देखे जगह को देखे समझे उसके बाद ही आगे की चीजें होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो थोड़ा चला जाए, आइए देखिए कंस्ट्रक्शन हो गया, सामने सेटबैक आपको दिख ही रहा है जी, थोड़ा सा कष्ट करना होगा ऊपर की तरफ। आप देखिए जो भी रड्स लगा जो भी ढलाई हुआ है जी, आरसीसी कंस्ट्रक्शन सारे हैवीनेस है, बहुत बढ़िया अरेरा अप्रूव्ड होगा, अरेरा अप्रूव्ड है, बहुत बढ़िया बिल्कुल, आइए बिल्कुल जी जी। तो देखिए अभी आपको नीचे से ये जो सेटबैक एरिया लगभग 16 से 17 फीट के अराउंड में आपको मिल जाएगा, ये मतलब छोड़ा हुआ बाउंड्री से, हाँ ये छोड़ना पड़ता है यूजुअली FAR के अकॉर्डिंग हमें जो है सेटबैक छोड़ना होता है, तो सारा रेरा के नॉर्म्स के हिसाब से हमारे पास चीजें बनती है, 1 इंच भी हम इधर से आगे से पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग है, अभी हमारा जो है पैकिंग वॉल जो है वो प्लास्टर हो रहा है सामने से जी, जो काम चल रहा है, मेन जो काम होता है यूजुअली 40% काम होता है जमीन के नीचे, तो थोड़ा टाइम लगता ही है बिल्कुल। अब इसके बाद हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं लगेगा अगर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में या स्ट्रक्चर को खड़ा करने में, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है हमारा ऑलमोस्ट मेन जो काम होता है बिल्डिंग का वो हमारा डन हो चुका है, डन हो चुका है, आने वाले कुछ ही महीनों में आपको ये बिल्डिंग जो है 2-3 फ्लोर तक हाइटेड आपको दिख जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एल शेप में आपको दिख रहा है जैसा पहले बताया, आइए ये कितने फ्लोर का होगा सर? ये बेसमेंट है, हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ये हमारा ग्राउंड है, लैंडफिलिंग होने के बाद ये ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा, इसके ऊपर अभी 5 फ्लोर और जाएगा, 5 फ्लोर और जाएगा, BG+5 की बिल्डिंग है जी, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 बिल्कुल जी, तो 5 फ्लोर हाइटेड जाएगा, टोटल 35 फ्लैट है, हर फ्लैट पे मतलब हर फ्लोर पे आपका लगभग 7 फ्लैट है, 7 फ्लैट 7×5=35 हो गया आपका बिल्कुल जी, 35 फ्लैट है। लिफ्ट है, स्टेयर्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लिफ्ट वाले ऑप्शन हो गया, ये लिफ्ट है बिल्कुल, लिफ्ट चैम्बर एक है, ये आपका स्टेयर हो गया जी, ठीक है। बाकी 2 फ्लैट हमने इस साइड में रखा है जी, ये आपका पूरब का कोना है। आप एक चीज़ और भी देखिए कि यहाँ पे चारों चौहद्दी इम्पोर्टेंट होता है कि वेंटिलेशन लोग सबसे इम्पोर्टेंट है वेंटिलेशन देखते हैं कि भाई हम जो फ्लैट ले रहे हैं उसके अगल बगल में मेरा पैक तो नहीं हो जाएगा ना बिल्कुल ही, बिल्कुल जी। आप ये देखिए कि अगर हम इसके पूरब, ये सामने ईस्ट है जी, अगर ईस्ट में देखें तो सामने वैकेंट लैंड है, और वैकेंट लैंड ऐसा है कि वहाँ पे कोई सड़क नहीं है चौड़ी की जिसपे अपार्टमेंट बन सके बिल्कुल जी। तो उस पे अगर इन फ्यूचर कुछ बनना भी होगा तो 2-3 फ्लोर तक मैक्सिमम मकान लोग बनाएंगे बिल्कुल जी, हाँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएंगे। तो आप ये देखिए हमारा जो ग्राउंड लेवल है, ये बेसमेंट का ढलाई है, अभी ग्राउंड जो ढलेगा इनका 2nd फ्लोर के बराबर होगा बिल्कुल, इसमें भी 2 फ्लोर से ज्यादा नहीं बना हुआ, इधर भी आप देखें तो खाली है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप जब ऊपर जाते हैं तो आपका चारों तरफ से जो चीजें है वो खुली हुई है, खुली हुई, कंप्लीट वेंटिलेशन आपको मिलेगा, कहीं से भी है नहीं कि अगल बगल में हाई राइज टावर बन गया है कि कोई देख रहा है, तो आपका हवा ब्लॉक हो जा रहा है, धूप ब्लॉक हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाई राइज टावर है ही नहीं बिल्कुल। और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट भी ज्यादा आपको नहीं मिलता है किसी भी बिल्डिंग के लिए। आइए बिल्डिंग ऐसे आ रही है, आपका सेटबैक देखिए चारों तरफ से छोड़ते हुए, ये देखिए मतलब इधर बैक साइड में कितना फीट छूटा हुआ है, लगभग 16 से 17 फीट है, 16 से 17 फीट हाँ जी बिल्कुल। और ये देखिए ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे जी, ये आप जो खाली सेक्शन देख रहे हैं ना, हाँ ये मंदिर में डेवलप होगा, मंदिर हम मंदिर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा एरिया बच रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो भी लेडीज वगैरह है सोसाइटी की, उनको पूजा करने वगैरह के लिए कहीं ऐसा नहीं है कि गेट के बाहर जाना हो, अपना इन गेटेड सारी फैसिलिटी है वो रह सकते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको अपार्टमेंट के अंदर भी फैसिलिटीज मिल रही हैं, और आज भी के टाइम पे अगर कोई बुक करता है तो उनको और भी रिलायबिलिटी है कि बजट भी कम होगा और चीज भी अच्छी मिलेगी। अच्छा मिनिमम में यहाँ पे क्या है, मिनिमम मतलब क्या प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं? देखिए प्राइस तो हमारा वैसे अभी 4800 पर स्क्वायर फीट है, 5000 बोलते हैं 4800 पर स्क्वायर फीट पे हम जो है डीलिंग लेते हैं बिल्कुल। बाकी उसके बाद कस्टमर टू कस्टमर हमारे ऑफिस के साथ कैसा उनका कोलैबोरेशन बैठता है, उसके बाद थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करके हम लोग डील को क्लोज कर ऑन द टेबल कुछ कम हो सकता है, थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी अगर आपके कस्टमर आपके थ्रू आते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारी तरफ से रहेगा, ऐसी बात है। अच्छा जो 785 स्क्वायर फीट का जो जगह है उसमें कितना बीएचके का फ्लैट होगा?
देखिए पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास कौन कौन से सेगमेंट का यहाँ पे फ्लैट अवेलेबल है, ठीक है। आपने जैसा क्वेश्चन अच्छा किया कि भाई किस तरह के क्लाइंटल्स के लिए क्या हमारे पास है, तो देखिए हमारे पास जो है मिनिमम 1.5 BHK है। 1.5 BHK कहने का मतलब है कि एक बेडरूम कम्प्लीटली रहेगा जी। उसके बाद आपका एक जो बेडरूम होगा वो एक एज अ स्टडी रूम है बच्चों के लिए, तो एक छोटी फैमिली मतलब मदर फादर बच्चे हैं तो उनके लिए सफिशियंटली एक छोटा है पैकेज है उनके लिए, ताकि वो कम बजट में भी अपना घर खरीद सके पटना के अंदर। तो मिनिमम 785 है जी। तो जो हमारे पास अभी नहीं है वो 2-4 यूनिट था, वो सारा हमारा सोल्ड आउट हो चुका है बिल्कुल कम्प्लीटली। इसके ऊपर फिर आप बढ़ते चले जाइए, 1100-1100 के सेगमेंट में है 2 BHK। इसके बाद 3 BHK है हमारे पास, 1320-1400 के साइज में भी है हमारे पास जी। और एक ऑप्शनल मैं ये देना चाहूँगा कि अगर कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि नहीं भाई मेरे को 3 BHK से एवव के चीज़ों में चाहिए, 4 BHK चाहिए या फिर, तो उस कंडीशन में कंडीशनली हम लोग फिर 2 फ्लैट को एडजॉइन करा लेंगे। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए किसी को 6 BHK चाहिए तो 2 3 BHK आप एडजॉइन करा लीजिए, 2 2 BHK ले लीजिए, ऊपर नीचे का 2 फ्लैट लेके आप डुप्लेक्स बना लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो आप जैसा डिज़ाइन करेंगे टेक्निकली हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिस्कस करके हम वो चीज़ें अभी डेवलप करा सकते हैं। बिल्डिंग बनने के बाद बहुत मुश्किल होता है, फिर उसको डेमोलिश करो कहाँ पे क्या लोडिंग है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें खराब हो जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। मतलब 3 BHK से एबव जिनको चाहिए वो अभी आकर के आपसे डिस्कस करके जो भी है कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए यहाँ सोचना नहीं है, बिल्डिंग हमारा एक और भी बना हुआ है वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और रही बात इसकी, तो सामने सब कुछ सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है बिल्कुल। आप पिलर साइज देख सकते हैं, पिलर हेवनेस देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सामने है बिल्कुल, चीजें बन रही है, ढलाई का भी आप सारा कुछ यहीं पे है, कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा इधर बिल्कुल जी बिल्कुल। लास्ट में व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे सर? लास्ट में व्यूअर्स को हम यही कहना चाहेंगे बिल्कुल, ये आइए एक बार हमारे पास, ठीक है, हमारे साथ जुड़िए और गारंटेड है कि आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी देना हमारी लायबिलिटी है, वो हम करके देंगे और बढ़िया से बढ़िया रेट कोशिश करेंगे कि आपको मिले, ताकि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे लिए और भी कस्टमर्स को आप अप्रोच्ड करें बिल्कुल जी बिल्कुल। बस यही रहेगा हमारी तरफ से। और रही बात डिस्काउंट की, तो आपके व्यूअर हैं, आपके थ्रू आएंगे तो कुछ ना कुछ तो देखना होगा ही ना, वो हम देख लेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए सर का नंबर मैं डिस्प्ले पे दे दूंगा और यहाँ का एड्रेस होगा डिस्क्रिप्शन में होगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।